नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑक्टोपैड गुरु में। दोस्तों आप देख रहे हैं SPD 30 ऑक्टोपैड आपके सामने है और इस 30 ऑक्टोपैड में एक और बहुत खूबसूरत पैच हम लेकर आए हैं। ये पैच है मैं से मीना से ना साकी से गीत का और बहुत ही खूबसूरत सुनाई दे रहा है। हालांकि ये पैच हम SPD 20 प्रो में भी ला चुके हैं और लगभग बजाने का स्टाइल भी हमने वही रखा है। और आप मैं आपको बताना चाहूँगा कि SPD 20 प्रो में जैसा सुनाई दे रहा है उससे थोड़ा सा बेटर जो है इसमें सुनाई दे रहा है, मतलब इसका टोन कुछ गजब ही आ रहा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि SPD 30 में ये पैच कैसा सुनाई दे रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न, तो दोस्तों ये फर्स्ट पैटर्न था। अब बात करते हैं वाले पैटर्न की जो कि मेन बीट है, तो वो कैसे बजेगी सुन लीजिए। तो देखा आपने, ये वाली बीट है जो मेन गाने में बजती है। चलिए बात करते हैं ढोलक के रिदम की, वो इस ऑक्टोपैड में कैसे सुनाई दे रही है सुन लीजिए। तो देखा आपने दोस्तों, ये ढोलक का पैटर्न है, बहुत ही अच्छा बाहर आने वाला है। अगर आपके प्रोग्राम में ढोलक नहीं है तो भी इस पैच से आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। चलिए दोस्तों अब एक और पैच इसमें इंक्लूड करते हैं, एक और किट जिसमें एक तबले का पैटर्न हमने बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा और थोड़ा सा स्पेशल रहेगा। तो आइए सुन लेते हैं वो तबले का पैच कैसा आ रहा है। उसके पहले सबसे पहले एक ड्रम का पीस बजता है, उसके बाद वो तबले की बीट जो है इंक्लूड होती है, तो इसको सुनते हैं। तो देखा दोस्तों, ये था कमाल ऑक्टोपैड SPD 30 में। और चलिए दोस्तों, अगर ये पैच आपको पसंद आया हो तो आगे की प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस से मतलब ये है कि हम समझते हैं कि इसको बजाना कैसे है। तो फर्स्ट पैटर्न की बात करते हैं तो कैसे बजाना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट पैटर्न इस तरीके से बजाना है। आइए मेन बीट की बात करते हैं कैसे बजाना है। तो ये हाथ जो है लेफ्ट वाला आपका ऐसे जाता जाएगा, देख लीजिए फर्स्ट स्ट्रोक कैसा है। और इसी में जो है आपको फर्स्ट बीट और स्नेयर, मतलब बेस किक और स्नेयर आपको मिक्स करना है, कैसे देखिए। ये तरीका रहेगा, इसको फास्ट देखिए। ओके, तो ये पैटर्न था जो आपका मेन बीट में चलेगा। अब बात करते हैं ढोलक का पैटर्न कैसे बजने वाला है वो देख लेते हैं। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट बीट पे आपको जो है किक और एक जो धम का टोन है, मतलब धा का टोन है, हैवी धा है ये, उसको आपको बजाना है, देखिए कैसे। और उसके बाद ये देखते जाइए बस। बस ये इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और पिकअप लगाना हो तो छोटा सा एक पिकअप है, देखिए तक केट दिन तक केट, ठीक है। और स्लो करके बता देते हैं लाइक दिस, इसको आप भी और स्लो करके देख सकते हैं, YouTube में ऑप्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की जो कि तबले वाला टोन है। तो उसमें क्या किया है हमने, किक को अब इस बार हमने लेफ्ट की तरफ दे दिया, उसको कैसे बजाना देखिए। सिंबल को ऐसे बजाना है, मतलब
मतलब वही पैटर्न जो हम फर्स्ट वाले पैटर्न में बजा रहे थे, फर्स्ट पैटर्न उसी को हमको इधर बजाना है। अब उसके बाद क्या करना है देखिए, आपका ये हाथ ऐसे चलता रहेगा और हाँ, तो ये इस तरीके से चलेगा। अब आप दोनों कैसे मिक्स करेंगे देखिए, पहले दोनों को बजाना, पहले इसको बजाना है, ये आधा आधा कर लीजिए, पहले आधे पोर्शन में कितना आपको बजाना है इतना बजाना है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, देखिए और फिर उसके बाद फिर से देखिए, फिर से बजाइए पूरा। तो क्या करना है नेक्स्ट, आधे पोर्शन में आपको किक के साथ में ये बजाना है, हाँ ऐसे, फिर से देखिए, चलिए एक बार स्लो करके पूरा फिर से बता देते हैं आपको। देखिए फास्ट करके बता दें, तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको ये पैच बजाना है। आप इसको बार बार सीखने की कोशिश करिए। आखिरी वाला पैटर्न मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।